हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी आवाज़ में जो है आपको लग रहा होगा। अच्छा गाइस, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और न जाने कहाँ का। तो ये इतना ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है सी वुड मास्क जो है। और आज की जो वीडियो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली 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 रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी लोग मुझे काफ़ी टाइम से जो है कह रहे थे कि सी वीड जो है इसका मास्क का जो रिव्यू है हमारे साथ ज़रूर से शेयर करें। बहुत सारे लोगों ने जो है इंस्टा पे मुझे डीएम करके भी कहा था कि सीवीड जो है उसका जो मास्क का जो रिव्यू है वो हमारे साथ ज़रूर से शेयर करें। अच्छा गाइस, काफ़ी मेहनतों के बाद जो है मुझे ऑनलाइन ये मिला है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से बता दूँ कि ये जो सीवीड मास्क है ये क्या है, किस चीज का बनता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये एक्चुअल में वर्क करता भी है या नहीं है, वर्थ बाइंग है या नहीं है, सारा सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना और एक लाइक तो बनता है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है बहुत सर्च और रिसर्च किया है मैंने इसमें, और जितनी मेरी सर्च और रिसर्च है उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी गाइस, सीवीड मास्क जो है ये समंदरी घास जो होती है उसके बीज होते हैं, और ये जो समंदरी घास होती है ये आई थिंक चाइना या फिर कोरियन ये प्रोडक्ट है। अच्छा गाइस, इसके अंदर जो है दो वो आते हैं, एक होता है वाइट वाला और ये होता है एक जो है इस तरीके का ब्राउन सीड्स होते हैं, और एक होते हैं वाइट सीड्स, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों अलग अलग है। जो वाइट वाला होता है वो जो है वो मैंने जितनी रिसर्च खुद से करी है उसमें मुझे इतना पता चला है कि वो सिर्फ आपके इस पे वाइट कास्ट छोड़ता है, एंड देन आपने हाथ धो लिया या फेस को धो लिया तो वो जो है वो पूरी तरह से निकाल देता है, यानी कि एक तरीके का वो धोखा है। अच्छा, इसके रिव्यूज और इसका जो है सर्च काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा और इसके रिव्यूज भी मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, तो फिर मैंने इसी को मंगाया है। और इसका जो है लाइव रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जस्ट मुझे अभी रिसीव हुआ ये, क्योंकि रिव्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा था और सारा सब कुछ ही ठीक था, तो यही ज़्यादा मुझे पसंद आया है। क्योंकि फिर इतने ज़्यादा पैसे क्यों वेस्ट, जो वाइट वाला है उसको वाइट कास्ट ही छोड़ना है तो क्यों उसको हम इतने पैसे, तो आपके पैसे बचे, इसलिए जो है मैंने ये मुझे ज़्यादा पसंद आया है। और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ऐसा जहाँ से मैंने लिया है सर्च रिसर्च में मुझे पता चला है। अच्छा जी गाइज, और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पैसे बचे ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि एक्चुअल में कितना वर्क करता है और ये कितना ज़्यादा बेनिफिट है आपके स्किन के लिए, बेनिफिशियल है, और इसको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो है ब्राउन कलर के इस तरीके के दाने होते हैं, तो ये समंदरी घास जो होती है सी वीड, और बिल्कुल ही जो है आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा जियासिड जो होती है ना उस तरीके के जो है आई थिंक जो बीज होते हैं बहुत बारीक से जो है ये सीड है। पैकेजिंग आई थिंक एकदम नॉर्मल सी टब पैकेजिंग है। अच्छा गाइज, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 200 ग्राम क्वांटिटी आती है, और मुझे जो है ये प्रोडक्ट पड़ा है 600 रुपीज़ का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, ये इतना ज़्यादा जो है वायरल प्रोडक्ट है, सी वीड जो है ये पार्टिकल्स है और बस ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, और ये क्लेम करता है कि ये ब्यूटीफुल स्किन केयर का एक हिस्सा होना चाहिए, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट रखता है और स्किन की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करता है, आपको ग्लोइंग एंड फेयर स्किन देने में बहुत जो है ग्लोइंग एंड फेयर स्किन देता है। एंटी एजिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है बेनिफिट है इसमें, और ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है और आपकी स्किन की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करता है। और ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के साथ साथ, मॉइस्चराइजर रखने के साथ साथ जो है आपकी स्किन को टाइटन करता है। अच्छा गाइज, और एक चीज़,
इनका ये भी क्लेम है कि जो ये सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको आपको इस्तेमाल करके बताऊंगी। मुझे लगता है कि सेंसिटिव स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं या मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बताता है, तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी। अदरवाइज जो है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, तो वैसे भी पैच टेस्ट मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि एक बार आप पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि पैच टेस्ट से जो है आपको पता चलता है कि आपकी स्किन को सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली जो है ये आपकी स्किन की जो है एक टॉनिक की तरह काम करेगा, और जो आपकी स्किन का जो है इम्प्रूव करेगा अपीयरेंस को, और जो ब्लैक हो जाती है, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, वो सारा सब कुछ खत्म करेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले इस्तेमाल करके देखते हैं और हमको कैसे रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद ही फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है एक एम्प्टी बाउल ले लिया है, और यहाँ पे जो है मैं 2 से 3 चम्मच, जितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है उतनी ही अमाउंट आपको लेनी है, मैं आपको कोई भी क्वांटिटी नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे जितनी भी जरूरत है उतना मैं यहाँ पे ले लूंगी। अच्छा गाइज, इसके बाद जो है इसमें मैं जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट जो है पानी को इसमें ऐड करूंगी। आप इसको रोज वाटर से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पानी से इसको मिक्स कर रही हूँ, और अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाए, जितनी भी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट जो है इसमें पानी की आपको ऐड करनी है। अगर आप अपने हिसाब से कीजिए, जितनी भी अमाउंट आपको ज़रूरत है, जितना भी हम इसमें पानी डालेंगे वो इसको अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे। और ये जो है इस तरीके से एक मैं बोल सकती हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। जितना भी पानी आप इसमें डालेंगे ना, तो उतना ही ये सोक कर लेंगे और ये एक फेस मास्क की शक्ल में आ जाएगा। बस इसको आपको ऐसे लगाना है। अच्छा जी, ये जो है ये सीड जो है उसके बाद अच्छी तरीके से अपने अंदर पानी को सोक कर लेती है, और ये काफी ज्यादा सटेस्ट लग रहा है मुझे तो। अच्छा, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ी सी अमाउंट ले लूंगी और ये मैं फेस पे अप्लाई करूंगी, और उसके बाद मैं आपको जो है अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा ही पानी इसने जो है अच्छी तरीके से सोक कर लिया है। और ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं अपने हाथों पे लगा लूंगी इसको अच्छी तरीके से। बस इस तरीके से जो है आपने अपने फेस पे भी इसको अप्लाई कर लेना है, और जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो, और फेस पे पूरी तरीके अच्छे से जो है इसको अप्लाई कर लेना है। अच्छा जी गाइज, अच्छी तरीके से जो है इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, और इसको 20 मिनट्स तक हम रखेंगे एंड देन उसके बाद वॉश करेंगे, और उसके बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा है। अच्छा जी गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे ये जो है ना थोड़े हल्के हल्के फूलने लगे हैं, यानी कि जो जिया सीड होती है जब हम उसको पानी में डालते हैं और वो फूल जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये भी फूलने लगे हैं हल्का हल्का, आप देख सकते हैं। क्लोज करके मैंने आपको बताया ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, और बस इस तरीके से जो है ये फूलने लगते हैं। अच्छा जी गाइस, 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको 20 मिनट के लिए जो है अपने फेस पे और अपने हैंड्स पे रखा था, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई नहीं होता है, और ये जो है अभी हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और ये जो है ना बहुत ही इजीली निकल भी जाता है, और अच्छी तरीके से जो है स्टिक करके आपके फेस पे और आपके हैंड पे बैठता भी है, तो अच्छी तरीके से जो है 20 मिनट्स तक। अच्छा, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, थोड़े थोड़े हल्के हल्के जो सीड्स है वो जो है फूल चुके हैं, बहुत क्लोजअप करके दिखाया है, तो बस हम इसको हटा देंगे यहाँ से। ओके, वाह। तो गाइस, अगर मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूँ, तो मुझे जितना मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आपकी स्किन को है ना बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखता है, बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है और ग्लोइंग बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हैंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, और बहुत ही ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो मुझे ना पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने जब इसको अपने फेस पे भी लगाया था तो बहुत ज़्यादा स्किन जो है ग्लोइंग और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और नेचुरली ग्लो करता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है। तो मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी। लिंक मैंने इसको कहाँ से लिया मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जी इसमें दो वो आते हैं, व्हाइट वाला जो है वो सिर्फ व्हाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन इसने एक्चुअल वर्क किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो सीड्स है ये
समंदरी घास के जो है ये बीज होते हैं, और ये एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मैंने कहाँ से परचेज किया था, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर। अच्छा गाइज, ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है, और मुझे पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है। स्किन को एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा, स्किन को बहुत ज़्यादा फेयरर बना देता है, वाइट कर देता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वाइट नहीं करता है, गोरा नहीं बनाता है, फेयर नहीं करता है, लेकिन ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और स्किन ग्लो करनी चाहिए, ना कि वो वाइट होनी चाहिए और ना ही जो है वो फेयर होनी चाहिए, फेयरर बना, ऐसा कुछ नहीं है कि फेयर बना देता है या बहुत ज़्यादा गोरा कर देता है, नहीं, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और जो है बहुत अच्छा खासा ग्लो प्रोवाइड करता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इसका पसंद आया है। और मैंने इसको परचेस किया था 600। अच्छा गाइस, 200 ml क्वांटिटी जो है मैंने 600 के करीब जो है इसको बाय किया था। ऐसा नहीं है, ये अभी बहुत ज़्यादा जो है वायरल प्रोडक्ट है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वर्थ बाइंग है, हो सकता है इन फ्यूचर ये थोड़ा सा जो है सस्ते में भी आपको मिले, तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, और मेरी तरफ से जो है ये हाईली रिकमेंड है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर करें, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, स्किन को जो है ग्लोइंग प्रोवाइड करता है, स्किन को जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, और स्किन को जो है आपकी ब्यूटिफुल और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बनाता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ, और बहुत पूरा दिन जो है अच्छी तरीके से मेरी स्किन रही है, मैं बाद में जो है इसको वॉइस ओवर कर रही थी, तो बहुत ज्यादा जो है अच्छा, फेयर नहीं बनाता है जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ग्लोइंग रखता है, और जो सबसे अच्छी बात है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियो।